हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1.2, चैप्टर फर्स्ट, नोइंग अवर नंबर्स। ओके, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ओके, सो लेट मी रीड डाउन द क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्टूडेंट है, उसकी स्कूल उसके घर से या उसका घर उसकी स्कूल से कितना दूर है? 1 किलोमीटर 875 मीटर दूर है। ठीक है, अब जैसे कि आप सोचिए कि आपका घर है, वहाँ से आप स्कूल पे जाते हो तो कितना डिस्टेंस कवर करते हो? 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर वहाँ से वापस आते हो तो भी उतना ही होगा, कि ऐसा थोड़ी होगा कि आपके घर से स्कूल जितना है फिर आते वक्त कम या ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा? नहीं, वही का वही रहेगा। तो आप सुबह को सपोज स्कूल पे जाते हो तो यू आर कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस? 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। वापस दोपहर को स्कूल से वापस आते हो तो भी वही का वही डिस्टेंस, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर कवर करते हो। मतलब 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर आप दो बार कवर करते हो एक दिन में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, तो वो जो लड़की है वो दोनों वही रास्ते से दो बार आती जाती रहती है। तो जैसा कि मैंने समझाया, वो दो बार वही रास्ते से आती जाती रहती है। देन व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो ये 1 किलोमीटर 875 मीटर जाने में और 1 किलोमीटर 875 मीटर आने में एक दिन का हुआ, तो हमें कितने दिन का ढूंढना है? उसका 6 डेज का ढूंढना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। देखिए, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, सपोज़ कि ये आपका घर है, वहाँ से आप स्कूल पे जाते हो तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर वापस स्कूल से इस तरफ आए तो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये एक दिन का है। ठीक है, तो एक दिन में 1 किलोमीटर 875 मीटर कितनी बार आ गया? दो बार। तो इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसका मैं स्टेटमेंट पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल, हाउस से लेकर स्कूल तक कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हाउस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 875 मीटर, वो मैं लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम स्कूल टू हाउस, वापस आते वक्त भी उतना ही डिस्टेंस होगा। अब इसको आंसर में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 5 + 5 = 10, 7 = 14, 10 = 15। यहाँ पे आ जाएगा 17 का, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 किलोमीटर्स। तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, डिस्टेंस कवर्ड ये तो उसके एक दिन का है डिस्टेंस, हमें कितने का ढूंढना है? 6। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हमें एक दिन का तो मिल गया, वो एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 3 किलोमीटर एंड 750 मीटर। हमें एक के बदले कितने दिन का ढूंढना है? 6। तो मैंने आगे के सम में समझाया, एक दिन का इन्फॉर्मेशन दिया हो और ज़्यादा दिन का ढूंढना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। और अगर ऐसा दिया हो, 6 दिन का दिया है और एक दिन का ढूंढना होता तो डिवीज़न करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का सम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? इतना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। ओके, इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको और इससे। ठीक है, तो 3 किलोमीटर 750 मीटर मल्टीप्लाइड विथ 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दिन का हमारा यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, सो वी विल डू लाइक दिस वे। तो इसको इस तरह से अरेंज करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपने 4th-5th में किया होगा। ठीक है, तो लेट अस मल्टीप्लाई 6 0 0, 6 5 30, देन 6 7 42, 42 + 3 = 43, 44, 45, 5 इधर और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 3 = 18 + 4 = 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर। मतलब वो 6 दिन में कितना कवर करेगी डिस्टेंस? 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं।
So in one day she will cover 3 kilometer 750 meter, and in 6 days she will cover 22 kilometers and 500 meter. तो उसका लास्ट फाइनल स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज इज 22 किलोमीटर 500 मीटर. तो यहाँ से ही मैंने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज इज 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर. सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. अब ये क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड. एक वेसल है कंटेनर, उसमें 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर का कर्ड भरा हुआ है. कर्ड मतलब दही भरा हुआ है, ठीक है, उसकी उतनी कैपेसिटी है. नाउ इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड. अब वो पूरा जो कंटेनर भरा हुआ है उसमें से हमें ग्लासेस भरने हैं, कुछ ग्लासेस. अब कितने ग्लास भरेंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि एक ग्लास में हम कितना दही भर सकते हैं, कर्ड भर सकते हैं, 25 ml, उससे ज़्यादा नहीं भरेगा. अब तो ऐसे कितने ग्लास भरेंगे हमें, तब तक ग्लास भरने हैं जब तक ये पूरा दही ग्लास में हम सारे के सारे ग्लास में नहीं भर देते, लेकिन कितने ग्लास भरेंगे वो पता नहीं है, वो हमें ढूंढना है. तो इसको मैं एक फिगर के साथ एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर हम सम सॉल्व करेंगे. तो आप थोड़ी देर समझिए कि ये जो कंटेनर है वेसल वो ये है, उसमें पूरा ये दही भरा हुआ है. कितना है ये, इसका कैपेसिटी 4 लीटर 500 ml, इसमें से हमें ग्लास भर भर के यहाँ पे रखने हैं. तो मैं एक ग्लास ड्रॉ कर देता हूँ पहले यहाँ पे. सो इसमें से दही निकाल के हमें 25 ml इसमें भरना है, मतलब कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा. अब यहाँ पे ग्लास भर दिया, फिर हम एक दूसरा ग्लास यहाँ पे भरेंगे, ठीक है. हमने दूसरा ग्लास भर दिया तो अब क्या होगा, अब वो भरा तो अब ये थोड़ा और खाली हो जाएगा, फिर हम तीसरा ग्लास भरेंगे. तो तीसरा ग्लास भरा तो ये और कम हो गया. तो इस तरह से हम ग्लासेस भरते जाएंगे, हमें पता नहीं कितने ग्लास भरेंगे, ठीक है. तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा खाली हो जाएगा और यहाँ पे ग्लास भर दिए जाएंगे, ठीक है. तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो बड़ा कंटेनर था उसके हमने ग्लास भर दिए, मतलब कि उसके हमने बहुत सारे पार्ट कर दिए. ग्लास है वो एक पार्ट है, ठीक है. तो पार्ट किए इसके हमने, मतलब के पार्ट को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, पार्ट मतलब उसको डिवाइड करना, मतलब ये जो सम है वो डिवीजन का सम है. हम 4 लीटर 500 ml को किससे डिवाइड करेंगे, 25 ml से. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिलीलीटर है और ये लीटर और मिलीलीटर है. तो हम पहले क्या करेंगे, ये लीटर को मिलीलीटर में, ये पूरे को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको इससे 25 ml से डिवाइड कर देंगे. ये कन्वर्जन करने वाले सम्स हमने आगे भी किए हुए, उसी तरह से करने, लेकिन याद रखिए ये डिवीजन का सम है. लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. तो इसको हम यहाँ पे मैं रफ वर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक. देखिए ये है वो 4 लीटर्स और 500 ml है, ठीक है. तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, 4 लीटर प्लस 500 ml. अब हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो यहाँ पे 4 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो ये 4 × 1000 हो जाएगा. तो ये क्या होगा, 4000 ml. मतलब 4 लीटर की जगह पे मैं लिख दूंगा 4000 ml प्लस 500 ml, ठीक है. अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 4500 ml. मतलब अब मैं इसकी जगह पे यूज़ करूँगा 4500 ml को. इसको अब डिवाइड करेंगे हम 25 ml से. तो ये रफ वर्क में कर देना है, ठीक है. अब हम सम करेंगे, उसमें मैं ये लिख दूंगा कि 4 लीटर 500 ml जो है वो 4500 ml है. ओके, सो 4 लीटर 500 ml को हम 4500 ml समझ के चलेंगे. अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा. अब ये डिवीजन का सम है, ये तो पक्का हो गया. यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 ml किसकी कैपेसिटी है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास. हमें ये 4500 ml से हम कितने ग्लासेस की कैपेसिटी भर सक मतलब कितने ग्लासेस भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी
यहाँ पे लिखनी है. सो 4500 मिलीलीटर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी ग्लासेस, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा. अब हम डिवीजन करेंगे, 4500 को डिवाइड करेंगे 25 ml से. मैं वो डिवीजन यहाँ पे रफ वर्क में कर देता हूँ. तो 4500 को मैं डिवाइड करूँगा 25 से, तो 25 1 ज़ा 25, बिकॉज 25 2 ज़ा तो 50 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 0. आई विल राइट 2 हियर. सो 2 20 स्मॉलर, सो विल टेक 0 हियर. सो इट विल बी 200. 25 8 ज़ा 200. अब ये 0 भी तो बाकी है, तो 25 0 ज़ा 0 माइनस करेंगे तो मतलब ये वैसे भी ये आंसर 180 आ जाएगा. ठीक है. सो हम कितने ग्लासेस भर पाएंगे? 180, जो मैंने फिगर बना के आपको बताया था. ठीक है, उसको मैं वापस बता देता हूँ. तो देखिए, ये पूरे को हम इस तरह से ग्लासेस भरते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कितने ग्लासेस होंगे, 180 ग्लासेस भर जाएंगे पूरे कंटेनर से. ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया. सो इसमें ऐसा ही पूछा था कि आप 25 ml की कैपेसिटी के कितने ग्लासेस भर पाओगे अगर वो जो वेसल है 4 लीटर 500 ml दही से भरा हुआ है, कर्ड से. सो वी विल फिल अप 180 ग्लासेस भर जाएंगे. सो लेट मी राइट डाउन द फाइनल स्टेटमेंट हियर. वी विल राइट देयर फोर, इसी में से लिखेंगे हाउ मेनी ग्लासेस. तो विल डायरेक्टली राइट 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, बस इतना लिख देंगे. 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. 180 इज द आंसर. सो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए तो फटाफट आपको आ जाएगा. प्रैक्टिस करोगे तो बाद में इजी पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू.